हाय गाइस, आज हम लोग आ गए हैं स्केलेटल सिस्टम के लास्ट वीडियो में। ये लास्ट वीडियो है स्केलेटल सिस्टम का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो कमर वाला पोर्शन होता है अलोंग विथ हमारा लोअर अपेंडेजेस यानी कि पैर। पेल्विक गर्डल हो गया हमारा कमर वाला पोर्शन। उसी तरह होता है एक पेक्टोरल गर्डल, जो कि हमारा शोल्डर वाला पोर्शन अलोंग विथ हैंड्स होता है। पेक्टोरल गर्डल पे मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बनाएंगे, इसमें पेल्विक गर्डल के बारे में बात करेंगे। तो पेल्विक गर्डल वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हमारा बैकबोन एंड होता है। तो बैकबोन जहाँ एंड होता है, तो वहाँ पर बैकबोन के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हुए हमें जाना होता है, क्योंकि बैकबोन हमारा काफ़ी नीचे तक होता है, कॉकिक्स तक यानी टेल बोन तक होता है। इसने बैकबोन वाला वीडियो देखा है, वर्टिब्रल कॉलम वाला, तो आपको पता होगा सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, फिर आता है लंबर और सैक्रल कॉक्सीजियल। तो यहाँ से सैक्रल और कॉक्सीजियल वाला जो पोर्शन है हमारा वर्टिब्रे का, वो पेल्विक गर्डल में इंक्लूड हो जाता है। और सैक्रम वाला जो वर्टिब्रे वाला पोर्शन है, वो हमें यहाँ पर बनाते हुए जाना होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट भी हम वहीं से करेंगे कि सैक्रम वाला पोर्शन कैसा होता है। ठीक है, तो सैक्रम के लिए हम यहाँ से स्पेस बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये हॉलो है, इसके अंदर चला जाएगा वर्टिब्रे सारा, वर्टिब्रल कॉलम का। अगर आपने वर्टिब्रल कॉलम का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, इसके आगे हम बनाएंगे बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम काफ़ी बनाने वाले हैं। अच्छा होगा अगर आपके पास पहले से प्रैक्टिस हो बटरफ्लाई बनाने का। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो एलिफेंट ईयर्स टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह से, और इस साइड भी सिमिलर। ओके, ये जो सैक्रम है इसके नीचे यहाँ पर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये एक गैप है। ठीक है, और इसके इधर साइड होता है वही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से जॉइन होता है, इस तरह से। और जैसा कि आपने वर्टिब्रल कॉलम वाले वीडियो में देखा होगा कि उसमें बोन्स इस तरह से निकले हुए होते हैं वर्टिब्रे में, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्पेस बनाते जाएंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ बनाएंगे वही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इस तरह से बिल्कुल बटरफ्लाई के विंग्स जैसा आ जा करके यहाँ पे मिल जाता है, सिमिलरली इस साइड से भी। नेक्स्ट यहाँ पर एक हॉलो सा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये आपका यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड होता है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। ओके, अब यहाँ ये तो हो गया हमारा वो कमर वाला पोर्शन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिजेस। जैसा मैं इधर बनाते जाऊँगी आप समझ लें कि इधर भी वैसा ही स्ट्रक्चर है। ओके, ओके, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट बोन हम पूरे बॉडी का।
आपको पता होगा फीमर कहते हैं उसे, ये हमारा थाई बोन होता है, और यहाँ पर होता है हमारा नी जिसको कवर करता है ये नी कैप, जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी जिस तरह से मैंने बताया था पेक्टोरल गर्डल में कि तीन हड्डी होते हैं एल्बो वाले जॉइंट पे, उसी तरह से नी वाले जॉइंट पे भी हमारे तीन हड्डी होते हैं, तीन हड्डियाँ होती हैं। ये हो गया एक, और इसी तरह से इधर होता है, ये हो गया एक दो और ये एक फीमर, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से रिस्ट बोन्स में हमारे आठ हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर हमारे होते हैं सिर्फ सात हड्डी, ठीक है, सात। इस तरह से यहाँ एक, ये इसी का एक्सटेंशन है, इसे आप अलग से ना समझें। ये हो गया हमारा एंकल वाला बोन, और यहाँ पर होते हैं इस तरह से ये एक दो तीन, और यहाँ पर होते हैं चार पाँच छः सात, इस तरह से टोटल सात एंकल बोन्स होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हमारे कार्पल मेटा कार्पल्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं मेटा टार्सल्स, इन्हें हम टार्सल्स कहते हैं एंकल बोन्स को, और हमारे जीट बनाते हैं इन्हें हम मेटा टार्सल्स कहते हैं। ओके, ये हो गया मेटा टार्सल्स, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से फैलेंजेस होते हैं, जैसा कि हमारा वहाँ पर भी फैलेंजेस होता है, वहाँ पर हमारे फिंगर्स वाले बोन्स को हम लोग फैलेंजेस कह रहे हैं, यहाँ हमारे टोज वाले बोन्स को हम फैलेंजेस कह रहे हैं। ओके, सो ये रहा हमारा पेल्विक गर्डल। अब हम करते हैं इसकी लेबलिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है, इसे हम कह रहे हैं सैक्रम, ये वही पोर्शन होता है जहाँ पर हमारा बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम आकर के एंड होता है, ठीक है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ये हो गया हमारा टेल बोन के लिए, कॉक्सिक्स के लिए स्पेस ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो पहला बटरफ्लाई वाला टाइप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं कॉक्सल बोन, ये है कॉक्सल बोन। नेक्स्ट है ये ईयर, एलिफेंट ईयर टाइप का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं इलियम, ये इलियम आप उससे कंफ्यूज ना करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में था वो इलियम, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन था। यहाँ पर ये आपका एक बोन है, ऑल्दो लोकेशन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए हम नाम भी ऑलमोस्ट सेम ही रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं प्यूबिस, और इसे प्यूबिस के गैप को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट है ये वाला बोन, इस तरह से यू शेप बोन, इसे हम कहते हैं इश्कियम। नेक्स्ट ये, इसे कहते हैं हम फीमर, इसे हम कहते हैं पतेला, या फिर आप इसे नी कैप भी कह सकते हैं। ओके, फीमर है हमारा थाई बोन, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं थाई बोन, एंड दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जैसे वहाँ पर दो बोन होता है टीबिया, उसी तरह से अल्ना रेडियस, यहाँ पर होता है टीबिया फिबुला, दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिबुला। नेक्स्ट दीज आर एंकल बोन्स, हम लोग इन्हें टार्सल्स कहते हैं, आप इसे एंकल बोन भी कह सकते हैं। कार्पल्स होते हैं आठ, तो टार्सल्स होते हैं सात। उसके बाद ये वाले बोन्स हैं मेटा टार्सल्स, ये पांच होते हैं, फाइव इन नंबर्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे ये सारे, इन्हें हम कहते हैं फैलेंजेस, ये वही 14 इन नंबर्स हैं। वैसे ध्यान रखिएगा 14 एक पैर में है, इस तरह से 14 दूसरे पैर में भी होंगे,
सिमिलरली टार्सस हैं 5 एक पैर में, दूसरे पैर में भी 5 होंगे, टार्सस भी उसी तरह से। तो टोटल नंबर चेंज हो सकता है, अगर आपको आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टार्सस इन द बॉडी तो ये हो जाएगा 14, और अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैलेंजेस तो ये हो जाएंगे 14 × 4, क्योंकि हम हाथ और पैर दोनों के फैलें दोनों को हम फैलेंजेस ही कहते हैं, इसलिए टोटल हो जाएंगे 56। ठीक है, सो ये रहा हमारा पेल्विक गर्डल। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।